हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न मोर फॉरएवर। दोस्तों, लर्न मोर फॉरएवर एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एडवांस एक्सेल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह ट्रेनिंग अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इन फ्यूचर मुझे और भी आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस चैनल के माध्यम से जो हम सीखेंगे, वेस्ट एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग दिस चैनल। जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों, जो लर्न मोर फॉरएवर चैनल जो मैंने बनाया है, इसका मेन पर्पज क्या है, एडवांस एक्सेल के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो आज का जो हम एक्सेल में सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हम फॉर्मूला सीखेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही बड़े काम का फॉर्मूला है। दोस्तों, जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी, वाओ, ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए, आपके अंदर से आवाज आएगी, वाओ, ऐसा भी होता है क्या एक्सेल के अंदर, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो चलिए इसको पता करते हैं क्या है। देखिए, किसी सेल में कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन है, पता लगाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, फॉर्मूला टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, फॉर्मूला टेक्स्ट है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस इस फंक्शन को सीख लो, आपके बहुत काम आएगा। इस फंक्शन के सहायता से आप एक्सेल के किसी भी शीट में अगर कोई गलती आप करते हो तो उसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सेल। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास एक सैलरी शीट है दोस्तों। ठीक है, सैलरी शीट में क्या होता है, हमें क्या होता है कि हमें सैलरी मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जैसे मालती गुप्ता, रुखसार, बहुत सारे यहाँ पे एम्प्लॉई हैं हमारे पास। सबका बेसिक सैलरी होता है, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया जाता है कि आपकी बेसिक सैलरी ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि सैलरी के अलावा बहुत सारी चीजें हमें मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, डीए। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस। दोस्तों, ये महंगाई भत्ता होता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो हमें क्या होता है, हम लोगों की शिकायत होती है कि हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक रूल लाई है। क्या है वो, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, जो डीए मिलेगा वो 10% मिलेगा। किसका, बेसिक सैलरी का 10%। बोनस मिलेगा आपको 15% मिलेगा, उसके बाद आपको नेट सैलरी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू कर, तो यहां पर बताया गया है कि जो डीए है, महंगाई भत्ता है, वो बेसिक सैलरी का 10%। तो चलिए इसको हम फॉर्मूले की सहायता से पहले निकाल लेते हैं। इक्वल टू बेसिक सैलरी, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे, कितने से करेंगे, 10% से करेंगे। यानी बेसिक सैलरी का कितना है, 10% हमने कर दिया, इसको एंटर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1900 रुपए 10% बेसिक का, इसको हमने ड्रैग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मुझे बोनस निकालना है, मुझे बोनस भी देना है, तो वो भी किस पे देना है, बेसिक सैलरी का मुझे कितना करना है, 15% मुझे बोनस देना है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर सिंपल सा इसको कॉर्नर में जाकर ड्रैग कर दिया। अब दोस्तों, अब बात ये आती है नेट सैलरी की, कि नेट सैलरी यानी फाइनल सैलरी कितना दिया जाएगा। तो इक्वल टू, ये तो बेसिक सैलरी दिया ही जाएगा, साथ में क्या दिया जाएगा, डीए महंगाई भत्ता भी आपके सैलरी में ऐड होगा और बोनस भी आपके सैलरी में हम लोग ऐड कर रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल सैलरी कितनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाल दिया सबका, कि सबकी सैलरी है, सबका इंडिविजुअली सबका अलग अलग आ गया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सबका अलग अलग सैलरी आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों, हमें अगर ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, कई बार क्या होता है, हम इसके कहीं इसमें ये तो नहीं, कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई हार्ड कॉपी तो नहीं है। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने इसको यहां से हटा के मैंने अपनी तरफ से 2500 रुपए टाइप कर दिए। ठीक है, यहां भी हटा दिया मैंने, यहां से भी मैंने हटा दिया, यहां से मैंने कर दिया 2000 रुपए कर दिया। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने क्या किया, इसको एडिट कर दिया मैंने, दो तीन जगह यहाँ पर मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता करना है, यहाँ पर तो मैंने क्या किया, हार्ड कॉपी कर दिया मैंने, मतलब उसको मैंने चेंज कर दिया, वहां तो फॉर्मूला नहीं लगा होगा, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे इस गलती को। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है फॉर्मूला टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको, फॉर्मूला टेक्स्ट लिखना है, टाइप प्रेस करना है। तो देखिए, इसका सिंटेक्स सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको रेफरेंस बताना है। तो रेफरेंस में आपको क्या बताना है, ये आपको डीए में बता देना है। ठीक है, बस और कुछ भी काम नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ आ गया, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एनए लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल, यानी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर हार्ड कॉपी है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपने अलग से टाइप किया है,
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं। अगर आप दोस्तों अगर आप इसको ऊपर से देखिएगा तो आपको तो नहीं समझ में आएगा कि फॉर्मूला लगा, आपको लगेगा तो सब में फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया 1600 रुपए कर दिया अपनी तरफ से, देखिए क्या दिखाएगा, नोट अवेलेबल आपको दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं किसके हिसाब, अब बोनस को भी देख लेते हैं और नेट सैलरी को भी देख लेते हैं। तो देखिए सबका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नोट अवेलेबल लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया, अलग से टाइप किया है। तो दोस्तों इसको पकड़ने मतलब जब भी हम कोई इनवॉइस बनाए या किसी को सैलरी देते हैं तो अगर आपको चेक करना हो कि इसमें कहीं एडिटिंग तो नहीं किया गया है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। है तो एक छोटा सा फंक्शन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है नोट अवेलेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको देखिए आप मुझे पता चल गया कि यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ठीक है, तो आप लोग कृपया इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।